गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास प्लस वन में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो ये जो प्रोसेस है वो दो लेवल पे कंप्लीट होती है। एक है पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, दूसरा है टिश्यू लेवल एक्सचेंज। पल्मोनरी नाम से ही क्लियर है यहाँ पर, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें क्या है, जो एयर जैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर करती है, वहाँ पर जाकर हमारे लंग्स के लेवल पर जो जो हमारी ऑक्सीजन है, जो हम इनटेक करते हैं प्योर एयर को, तो वो जो फ्रेश एयर है उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में पोर कर दिया जाता है। और जो ब्लड है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, मतलब जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होता है, वहाँ से वो एल्विओलाई के अंदर डाल दी जाती है। तो पल्मोनरी लेवल पर, यानी कि एल्विओलर लेवल पर जो एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्विओलाई के बीच में, उसे हम कंसिडर करते हैं पल्मोनरी गैस एक्सचेंज में। दूसरा है टिश्यू लेवल एक्सचेंज। टिश्यू लेवल एक्सचेंज में क्या होता है, जो ब्लड है हमारा वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करके लेके जाता है, और हमारे टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है। तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ के थ्रू जो CO2 प्रोड्यूस की जाती है उसको ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको टिश्यूज़ के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ एक्सचेंज कंसिडर किया जाता है। तो इन दोनों लेवल को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर बेसिकली एक टर्म यूज़ की जाती है गैसेस के लिए। इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, उस गैसेस के मिक्सचर में हर एक पर्टिकुलर गैस एक प्रेशर क्रिएट करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अदर गैसेस। तो उस प्रेशर को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। अब हम जो भी एयर इनहेल करते हैं, उस सारी एयर को में जरूरी नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। हम बहुत सारी गैसेस को इनहेल करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है, जो कि डिफ्यूज करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब अगर हम बेसिक प्रोसेस की बात करें तो पल्मोनरी गैस एक्सचेंज एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंसीडर की जाती है। जब हमने स्टार्टिंग में रेस्पिरेशन की बात की थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, और एक सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन को हम प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ब्रीदिंग की प्रोसेस में इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। तो पल्मोनरी गैस एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फ्रेश एयर एंड CO2 ऑफ ब्लड एट द लेवल ऑफ पल्मोनरी एल्विओलाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंस्पायर्ड एयर की। जो हम एयर इनहेल करते हैं, उस इनहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg। mmHg इसकी यूनिट्स हैं, इसको इसमें कंसीडर करते हैं हम लोग। फिर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3 mmHg। लेकिन जैसे ही ये एयर हमारे एल्विओलर लेवल तक पहुंचती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए, तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो वैल्यू है, वो चेंज हो जाती है। जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो हो जाता है 104 mmHg, और जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो हो जाता है 40 mmHg। ये यहाँ पर डिफरेंस क्यों आया कि हमने जो एयर इनहेल की थी उसकी कंसंट्रेशन में, उसकी वैल्यू में, एल्विओलाई तक पहुँचने में डिफरेंस क्यों आ गया? इससे पहले हमने लंग्स कैपेसिटी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको वहाँ पर डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में बताया था कि जो टाइडल वॉल्यूम हम इनहेल करते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 500 ml। लेकिन उसमें से सिर्फ 350 ml होती है जो कि एल्विओलाई तक पहुंचती है। जो 150 ml वॉल्यूम होती है वो डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाती है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाती है। अब उस एयर के अंदर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाती है, उसके अंदर जो फाउल एयर है, मतलब ऐसी एयर जिसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है उस डेड स्पेस वॉल्यूम के अंदर। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है।
फिर उसके बाद जो एयर है वो जब हम हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो वहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो हो जाता है 104 mmHg, और जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है वो हो जाता है 40 mmHg। ठीक है, अब ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब पल्मोनरी गैस एक्सचेंज होता है। इस पूरे फ्लो चार्ट में आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि टिश्यू लेवल एक्सचेंज दोनों ही एक ही फ्लो चार्ट में शो किए गए हैं, और आपको यहीं से पता चल जाएगा कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है और किस तरह से वो एक्सचेंज दो लेवल पे होता है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जो एयर है वो डिफ्यूज किस तरह से होती है। उसको डिफ्यूज करने के लिए पार्शियल प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा जो भी एयर होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, और इसी तरह से डिफ्यूजन होता है। अब हमने यहाँ पे बात की कि जो एल्विलाई है वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। अब जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर आती हैं, और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो लंग्स के अंदर आ रही हैं। तो उसके अंदर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपने 10th क्लास के अंदर डबल सर्कुलेशन पढ़ा होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर लेके आती हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका मतलब वहां पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 46 mmHg। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, लेकिन जो एल्विलाई है वहां पर पार्शियल प्रेशर क्या है, 104 mmHg, और यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर 46 है, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर लंग्स में जो यहाँ पर जो कैपिलरीज रन करती है उसमें जो ऑक्सीजन है वो एंटर कर जाएगी, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगी, बाहर मतलब उन एल्विलाई के अंदर। और ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होके हमारे वेन्स के थ्रू रन करता है, और ये हमारे जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ही क्या करती हैं, जो हमारे लंग्स हैं वहां से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, जिसके अंदर अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो गया है 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू डिफरेंट आर्टरी से होता हुआ हमारी बॉडी तक जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर 40 है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95। अब हमारे जो इंटरनल रेस्पिरेशन का लेवल आ गया। अब यहाँ पर क्या है, जब अगर हम अपने बॉडी टिश्यूज की बात करें, बॉडी टिश्यूज के अंदर बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जहां पर क्या है ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, और यहाँ पर वेरियस एक्टिविटीज में CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 20 है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 58 है। अब ये डिपेंड करता है कि बॉडी टिश्यूज किस तरह से, अगर वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी फंक्शन में तो उनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और ज्यादा कम होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर और ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे CO2 ज्यादा फॉर्म होगी। तो हमारी जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है। अब क्या होगा, इन ब्लड बॉडी टिश्यू से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 95 है, मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसका ज्यादा है, ये यहाँ से ब्लड के अंदर बॉडी टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, और बॉडी टिश्यू के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ से ये इन जो वेन्स हैं, क्योंकि वेन्स ही कलेक्ट करती है ब्लड को, तो वेन्स के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर CO2 ज्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो हो जाएगा 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 46। अब क्या करती हैं, जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 46 है और ऑक्सीजन का 40 है। अब ये क्या करती हैं, वेन्स सारी वेन्स कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
एक बड़ी वेना कावा फॉर्म हो जाती है, और ये वेना कावा जो हमारा राइट साइड है हार्ट का, उसमें ब्लड को लेके जाती है। राइट ऑरिकल में ब्लड जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस से लंग्स में जाएगा, और लंग्स में फिर वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 था, CO2 का 46 था, एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg था और CO2 का 40 था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी, और इसको इसके इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो फिर से चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन का 95 हो जाएगा और CO2 का 40 हो जाएगा। फिर इसको हमारी जो पल्मोनरी वेन है उसको फर्दर लेके जाएंगी, फिर लाइफ जो हमारे लेफ्ट साइड है हार्ट की वहाँ लेके जाएंगी, फिर वहाँ से आर्टरीज के थ्रू ये बॉडी टिश्यूज तक जाएगा, वहां पे फिर से CO2 को इसमें डाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट है, डिफरेंस है। फिर यहाँ से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वेना कावा के थ्रू हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर से पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, और इससे पल्मोनरी आर्टरीज से ये लंग्स में जाएगा। तो इस तरह से जो एक्सचेंज है गैसेस का वो होता रहता है, और पल्मोनरी लेवल पर एक्सचेंज होता है और फिर टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो हाई पार्शियल प्रेशर वाली गैस है वो अपने लो पार्शियल प्रेशर पे मूव करती है, और इस तरह से दोनों लेवल पर यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे CO2 का ज़्यादा था, तो इस तरह से एक्सचेंज होता रहता है और जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। अब जो ब्लड है हमारा, ब्लड में ये ऑक्सीजन या CO2 किस तरह से मूव करती है, किस फॉर्म में मूव करती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।